एंड ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमने दिस कीवर्ड तो डिस्कस कर लिया है। दिस कीवर्ड में भी कौन से टाइप्स है यहाँ पे, जैसे कि दिस कीवर्ड में, दिस में क्या बाइंड होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बाइंड होगा, इसके लिए भी हम लोगों के पास चार ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? पहला इम्प्लिसिट बाइंडिंग इम्प्लिसिट बाइंडिंग है, तो इम्प्लिसिटली क्या होगा आप लोगों को पता है, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग है। और उसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा है, न्यू बाइंडिंग है। और फोर्थ वाला जो है वो कौन सा है, डिफॉल्ट बाइंडिंग। यानी कि दिस कीवर्ड के अंदर क्या होगा स्टोर, ये अलग अलग टाइप के बाइंडिंग से डिसाइड किया जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि एक डिस्क के साथ चारों भी बाइंडिंग हो सकती है, अगर चारों भी बाइंडिंग होंगी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे होगी, अगर ऐसा केस आता है इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, वो कोई कोड दे सकते हैं कि तीनों चारों एक साथ, या तीनों एटलीस्ट, चारों तो नहीं लेकिन तीनों तो एक साथ हो सकते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड न्यू बाइंडिंग। अगर तीनों एक साथ हो रहे हैं तो किसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो सबसे ज्यादा नंबर वन पे दिया जाएगा ऑर्डर जो है आपका न्यू बाइंडिंग, इसे ज्यादा दिया जाएगा। फिर उसके बाद इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट बाइंडिंग का रहेगा, फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और फाइनली जो होगा वो होगा डिफॉल्ट वाला। ऐसे अगर होता है, ऐसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि एक साथ मेरा न्यू बाइंडिंग भी है और इम्प्लिसिट बाइंडिंग भी है, तो सबसे ज्यादा किसे वेटेज होगा यानी प्रेफरेंस होगा, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज के दिन का, आज के सेशन का, वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास हम किसे कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, ये एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्लास एक तरीके का फंक्शन ही है, बट उसे क्लास को अच्छे से हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को क्लास इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे क्लास सबसे सुपर होता है, पाइथन हो या जावा हो या सी प्लस प्लस हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्लास एंड ऑफ द टाइम एक फंक्शन ही होता है। बट अभी हम आगे बढ़ते हुए ये समझेंगे कि क्लास है क्या चीज और हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी बात हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पेंट पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पेंट ओपन कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन, दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? हेलो, हाँ यस दिखाई सर, दे, हाँ यस सर, ठीक है, दिखाई दे रही है आप लोगों को स्क्रीन। तो जैसे आपके पास एक सीवी है, या मान लेते एक फॉर्म है, इस फॉर्म पे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, फर्स्ट नेम, इस तरीके से आपको डिटेल भरनी है। चलो लास्ट नेम, ये भी डिटेल भर देंगे हम लोग ऐसे, फिर DOB, डेट ऑफ बर्थ एंड लेट्स सी मोबाइल, अभी तो जरूरी है मोबाइल नंबर होना इसलिए मोबाइल को लिख देते हैं। मान लेते एक फॉर्म है और ये फॉर्म आपको पेन से लिख के फिलअप करके देना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी आप 35 डेवलपर्स हो, अभी ये 35 डेवलपर्स के लिए अगर मुझे ये बनाना होगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेवलपर का नाम भरूंगा, जैसे कि अभिषेक, ऐसे अभिषेक लिख देते हैं, अभिषेक, ये टाइप नहीं हुआ क्या, अभिषेक है। देन बी डेट ऑफ बर्थ, जो भी वाई वाई वाई
MMDD है, मोबाइल नंबर है 4445557777। अभी बाकी डेवलपर के लिए भी सेम मैं ऐसे ही फॉर्म बनाऊंगा और इस तरीके की फील्ड जो है मैं बनाऊंगा और लिखते जाऊंगा। तो कितना टाइम लगेगा मुझे ये करने के लिए, मुझे ऐसे एक एक 35 करने के लिए? अगर मुझे लगभग 2 या 3 मिनट लगे ये फॉर्म बनाने के लिए, या 4 मिनट लगे, तो ऐसा कितना टाइम लगेगा हर एक टाइम पे मुझे ऐसे बनाने के लिए? लगभग 1 घंटा जाएगा, सपोज चल के पकड़ चलते हैं 1 घंटा 2 घंटा जाएगा, ठीक है 2 घंटा पकड़ के चलते हैं। अगर यही चीज मैं एक काम करूं, यही चीज मैं ऐसे ही इसे इसे फिल ना करते हुए इसकी मैं कॉपी निकाल दूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, और फिर उसमें वो बाकी के डिटेल भरूं, 36 इसकी कॉपी निकालूं मैं और फिर डायरेक्टली भरूं, तो क्या ये वाली अप्रोच रहेगी कि एक ओरिजिनल बनाओ, एक जो है एक ओरिजिनल बनाओ, जैसे कि ये वाला ओरिजिनल है, जैसे मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल है, और बाकी की जो है बाकी की उसकी जो कॉपी रहेगी वो कॉपी रहेगी आपकी, कॉपी रहेगी आपकी, इसलिए मैं इसको अलग कलर दिया सपोज बार लो। क्या ये अप्रोच सही रहेगी कि आप एक ओरिजिनल की कॉपी, ओरिजिनल को फिल मत करो, ओरिजिनल के अंदर कुछ मत लिखो, जस्ट ब्लैंक छोड़ दो उसको और उसकी कॉपी बनाओ और कॉपी बना के उस कॉपी में लिखते जाओ, कौन सा तरीका अच्छा होगा? हर बार नया ओरिजिनल करते जाइए जाना चाहिए, या एक ही बार ओरिजिनल बनाओ और उसकी कॉपी बनाते जाओ और उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन भरते जाओ, क्या सही रास्ता है, कौन सा वे सही है? कॉपी करो तो। और ये भी है कि अगर जितने ओरिजिनल बनाएंगे उतना कोडिंग का टाइम जाएगा और नंबर ऑफ मेमोरी भी उतना भी खाएगा, चलो ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल को प्रोग्रामर भी डेवलपर भी वही चीज करते हैं, जो ओरिजिनल है उसे कहा जाता है क्लास, और जो कॉपी बनाते हैं हम लोग उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो कॉपी बनाएंगे इसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने कितने ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट, और हम लोग हजारों लाखों जितनी जरूरत है उतने ऑब्जेक्ट बना के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो क्लास का इस्तेमाल करके, सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। क्लास इज नथिंग बट इट इज अ वन ऑफ द फंक्शन ओनली। दूसरा है कि इट इज अ टेम्पलेट या एक ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट कह सकते हैं, ये मेरा फॉर्म का टेम्पलेट है और उसके कॉपी निकाल के, यानी कि उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के मैंने मेरा काम करना है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेटा स्टोर होता है, इसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि फंक्शनैलिटी भी होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन एक फंक्शनलिटी है, एडमिशन कर लो ये भी एक फंक्शनलिटी है। तो क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर हम ये जो वेरिएबल है इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज, और जो फंक्शनैलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शंस। तो एक क्लास के अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए और क्या क्या हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, तो ये सारा हम लोग यही पे कर लेते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन अलग अलग कर सकते हैं उसकी कॉपी बना के। तो चलिए सबसे पहले ये ग्रीन वाला क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और फिर उसे डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा क्लास। मैं पहला ऑप्शन ला, इट नीड्स टू यूज क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड लेना है ऐसे क्लास,
देन क्लास का नाम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बायोडेटा, एंड बॉडी इसकी डिफाइन करनी है, तो इस तरीके से आपने क्लास बना लिया है। क्या लिखना है? क्लास एंड क्लास का नेम, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज, ऐसे। और आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, क्या फील्ड्स चाहिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको याद रखना है कि क्लास के अंदर नीड नॉट यूज लेट वेयर फंक्शन एक्सेट्रा कीवर्ड ये चलेंगे नहीं, याद रखना। आपको अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो इसके अंदर, यानी प्रॉपर्टी लेनी हो, तो सीधा आप लोग लिखो, जैसे कि फर्स्ट नेम सेमी कॉलन देना जरूरी है क्लास में, लास्ट नेम सेमी कॉलन, ईमेल सेमी कॉलन, मोबाइल सेमी कॉलन। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज ले ली है इस तरीके से। अगर आपको कोई फंक्शन लिखना है क्लास के अंदर, जैसे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन ऐसे। और मैं इसके अंदर लिख भी देता हूं console.log यू कैन रजिस्टर हियर, इस तरीके से मैं एक डमी प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने जो है एक क्लास बनाया, और क्लास का नाम है बायोडेटा, और इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो। क्लास की और भी एक डेफिनेशन मैं बता देना चाहता हूं, जो कि टेक्निकली नहीं है बट आप लोग समझ जाओगे। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सॉरी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। ठीक है, क्लास क्या है? क्लास क्या है, क्या लिखा है मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। और फंक्शंस क्या है? अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट क्या है? वेरिएबल डेटा टाइप एंड स्टेटमेंट। ऑपरेटर याद रखो। और इसके बाद भी एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा मॉड्यूल। मॉड्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस। तो आपने वेरिएबल सीखा, ऑपरेटर सीखा, डेटा टाइप सीखा, उसके साथ आपने स्टेटमेंट सीखा। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वी कैन से फंक्शंस एंड मल्टीपल फंक्शंस कॉम्बिनेशन विल बी अ क्लास एंड क्लास कॉम्बिनेशन विल बी अ मॉड्यूल। तो आप लोगों को पता ही है कि बेसिक से ही सारा काम होने वाला है, यानी कि हम लोग सारी चीजें वही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्लास बनाया है। मैं वीएस कोड में जाके इसे कोड को रन करके आपको दिखा दूंगा, और चेक कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इवनिंग सेशन में आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस की। और मैंने जो क्लास बनाया था क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर आके मुझे चाहिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम सेमी कॉलन लास्ट नेम, सब्जेक्ट बस, और फंक्शन रजिस्ट्रेशन लेट्स सी। और यहां पे मैं दिखा देता हूं कंसोल डॉट लॉग हे दिस is registration process. That's it. Now, object कैसे बनाते हैं?
आप लोगों को सिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ये सिखाया गया है। पहला हमने डिस्कस किया है बाय लिटरल से, दूसरा बाय न्यू कीवर्ड से। तो आपने बाय लिटरल से तो सीखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि लेट, ईएमपी, ऐसे आप लोगों ने सीखा है ऑब्जेक्ट बनाने का। अभी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, सेम लेट स्टूडेंट या जो भी S1 इक्वल टू इस्तेमाल करना है न्यू कीवर्ड, और जो भी आपका फंक्शन का या क्लास का नाम यहाँ पे दिखाई दे उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है आपके, बायोडेटा। तो आपको करना होगा बायोडेटा, तो ये बनेगा आपका S1 ऑब्जेक्ट। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ रहेगा जो इस क्लास के अंदर रहेगा, मतलब सेम टू सेम कॉपी जो है इस ऑब्जेक्ट में रहेगी। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैंने क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, मैंने ये सारी फील्ड ली है एज ऑफ नाउ, और एक फंक्शन भी लिया है। क्लास इज नथिंग बट इट इज अ टेम्पलेट, यानी जिसके अंदर फील्ड्स होंगी और फंक्शनैलिटी भी होगी, एक बेटर मैनेजमेंट के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, नॉर्मली तो लेट ऐसे दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी चॉइस। मैं STU1 दे देता हूँ, इक्वल टू हमें लेकिन यहाँ पे न्यू कीवर्ड से इस्तेमाल करना है, तो न्यू और सामने क्लास का नाम जो है आपको देना होगा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया ये आपका, और यहाँ पे आइए कंसोल डॉट लॉग करोगे तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है आप अभी देख के मुझे बताओगे आउटपुट में क्या रहेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इसे हम लोग एचटीएमएल में प्रिंट करते हैं ना, ताकि अच्छा दिखेगा आप लोगों को। कैसे कनेक्ट करें वो फाइल को, स्क्रिप्ट को कैसे कनेक्ट करें, एसआरसी से कनेक्ट करें। अरे इसने क्यों लिया ऐसे, टाइप हुआ है शायद से। करें रन इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्टूडेंट दिख रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब्जेक्ट है। यहाँ पे फंक्शन का भी होगा, कंस्ट्रक्टर भी है और रजिस्ट्रेशन, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे F लिखा होता है, सिंपल बात है। इतना, अगर आप उसे कॉल करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉल करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को, तो आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है आपकी इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन का नाम, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सेव करो, इसका आउटपुट क्या दिखाई देना चाहिए था, दिस इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को, देखो। यस सर। तो इस तरीके से आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। देखो क्लास बनाया, इसके अंदर जो भी मुझे फील्ड चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने ले ली है, और एक फंक्शन भी बनाया है मैंने, और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं सारी चीजें दिखा दूं, डिटेल भी मैं यहाँ पे आउटपुट में कर सकता हूँ। अभी अगर मुझे फर्स्ट नेम दिखाना हो तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, अगर ये फील्ड को यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ, कोई भी दिस जो है अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे,
तो इस दिस के अंदर क्या होगा, अगर कोई दिस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस क्लास के अंदर है, तो इसका मतलब वो खुद को रेफर करता है। ये हमने लास्ट सेशन में सीखा है। देन लास्ट नेम एंड देन फाइनली है दिस डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो ये तीनों हो गए। अब इसमें कोई डेटा भरा हुआ है क्या, मैंने, आप लोग मुझे देख के बताएंगे, इसमें कोई डेटा भरा हुआ है क्या मैंने जो आप लोगों को दिखाई देगा? क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो आप एक चॉइस कर सकते हो, डेटा फिल कर सकते हो अलग अलग तरीके से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट लेना है इसके अंदर, या सेटिंग डेटा, जो भी कुछ नाम देना है फंक्शन को, इनपुट भरूंगा इसके अंदर, फील्ड डेटा नाम का फंक्शन बना लेते हो। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं कर सकते आप, फंक्शन ना करो यहाँ पे इस्तेमाल, फंक्शन बनाने के लिए डायरेक्टली नाम देना ही सही होगा, एरर दे देगा यहाँ पे ऐसे, देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो ऐसे मत लिखिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, फंक्शन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड डेटा करके, ऐसे कि मैं वेरिएबल में डेटा फिल कर रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे अगेन ये जो वेरिएबल मुझे एक्सेस करने होंगे, इसे मुझे एक्सेस करना होगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, मैं दे देता हूं जैसे कि राहुल, राहुल कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम के कुमार, दिस डॉट सब्जेक्ट फुल स्टैक सेम। अभी ये फंक्शन जो है मैंने कॉल किया है, क्या अभी भी आउटपुट क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड? बिकॉज मैंने ये फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं किया। मैं ये फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, क्या नाम उस फंक्शन का? फील्ड डेटा को कॉल किया। अब क्या आया आउटपुट में, क्या आया? राहुल कुमार फुल स्टैक। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने मेरे जो प्रॉपर्टीज है वो ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए मैं फील्ड डेटा में भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन में और सारे इसमें मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। So, हाँ बोलिए ना। प्रॉपर्टीज डिक्लेयर मतलब वैल्यूज देने होंगे तो उसको फंक्शन में देने जरूरी है। हाँ मतलब हम लोग किसी में डेटा भरना है ना, तो हमें डायरेक्टली फंक्शन यूज करके ही करोगे तो ज्यादा बेहतर होता है ऐसा। मतलब आउटसाइड नहीं कर सकते? आउटसाइड कर भी सकते हो आप, यूजर करने पर यूज करते हैं। हाँ यूजर यहाँ पे भी आप दे सकते हो, यही बोल रहे हो ना कि यहाँ पे भी देंगे तो ऐसा। हाँ 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 दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, दे सकते हैं। इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन अभी दूसरा है आपका, दूसरा एक तरीका और है। अभी मेरा एक स्टूडेंट का हुआ, लेकिन अब मुझे चाहिए कितने स्टूडेंट का डेटा चाहिए? 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि लेट, है ना, लेट एसटीयू 2 इक्वल टू, कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, न्यू स्टूडेंट। और अब इसके अंदर हमें सबसे पहले चलाना है एसटीयू 2 डॉट फील्ड डेटा, डेटा भरेंगे। अगर ये नहीं चलाएंगे और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा ये देख लेता है, क्योंकि याद रखना हर कॉपी अलग अलग होती है। देखो सेकंड टाइम जो चला है उसका डेटा भरा हुआ है क्या हम लोगों ने? नहीं भरा है। तो डेटा भरने के लिए एसटीयू दूसरा जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं फील्ड डेटा चलाता हूँ, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी डेटा क्या जाएगा? क्या हमें हर स्टूडेंट के लिए सेम ही डिटेल्स चाहिए या अलग अलग चाहिए? अलग अलग। तो अलग अलग। तो क्या हम लोग इस फंक्शन को
ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सब्जेक्ट पास कर सकते हैं कहीं से? आप यूजर से भी ले सकते हो, प्रॉम्प्ट करके आप यूजर से भी ले सकते हैं। आप HTML यूज कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट करके भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सब्जेक्ट। मैं एफ जो है फर्स्ट का, फर्स्ट नेम का मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, देन यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं एल, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं यस। तो जैसे ही मैंने ऐसा कर लिया तो आप लोगों को पता ही है कि फील्ड डेटा जो फंक्शन है यहाँ पे आपको क्या करना होता है, वैल्यू पास करनी होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम जो है पहले स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम होगा क्या लिखना है बताइए। क्या लिखना है फील्ड डेटा में, नाम बताइए ना। ये राहुल कहाँ पे जाएगा ये देखो, हाँ ये भी बताओ कौन से ऑब्जेक्ट के लिए जाएगा ये। स्टूडेंट वन के लिए जाएगा। और चलो फर्स्ट भर देते हैं हम लोग, अभी नाम लेता हूँ मैं संकेत एंड शिवम, सपोज संकेत, ठीक है। ये कहाँ पे गया, कॉमा देके दिखाता हूँ मैं, कॉमा, ये फील्ड डेटा। उसके बाद सेकंड वेरिएबल कौन सा है, पैरामीटर कौन सा है उसका, यल यानी लास्ट नेम है, तो जे यू। उसके बाद सब्जेक्ट है पीपीपी। चलो तो अब आउटपुट में देखो क्या आउटपुट में आया है यहाँ पे देखो। लेकिन इन्हें क्या आया, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अभी तक अनडिफाइंड आया। क्यों वैल्यू पास नहीं किया, अभी कर लेते हैं, अभी पास करते हैं, सागर के लिए करते हैं, सागर लास्ट नेम के, देन एंगुलर सेव। अब देखिए मुझे हर स्टूडेंट के लिए हर बार नया क्लास बनाने की जरूरत है, मैं क्या नया बना रहा हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। यस, मतलब मैं हर बार उसकी कॉपी तैयार कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान देखो तो उसकी ऑब्जेक्ट की कॉपी जो भी है उसकी कॉपी क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं S3 ले लेता हूँ यार, बड़ा STU थोड़ा सा S3, ये तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ऐसे आप हजारों जो है ले सकते हो। सेव कर दिया। चलो कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास अभी, 3। तो हम सिर्फ अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उसमें अलग अलग तरीके से वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो यही फायदा है कि क्लास में अगर हम लोग जो फील्ड है, अगर मैं कहीं से, अगर मान लो यहाँ से अगर मैं फील्ड को हटा देता हूँ, सब्जेक्ट को मैंने हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, तो मेरे ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है इसमें से भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप देख लो डायरेक्टली तीसरा जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या आ गया, डायरेक्टली अनडिफाइंड, क्योंकि अगर मैंने क्लास में से ही हटा दिया तो सब जगह पे आपका 10,000 ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो हर ऑब्जेक्ट में जाके आपको हटाने की जरूरत नहीं। चलो मान लो मैंने हटाया भी नहीं, मैंने और एक फील्ड को एड किया ऐसे, तो इजिएस्ट वे से मैं यहाँ पे एड भी कर सकता हूँ और मैं इसके अंदर प्रिंट भी कर सकता हूँ ऐसे, या मुझे हर ऑब्जेक्ट में जाके ऐड करते बैठना पड़ेगा। अब
हर ऑब्जेक्ट में जाके करना पड़ेगा मुझे? नो नो बिल्कुल नहीं। अभी जिस पहले का नहीं नहीं डाला है ना, दिस यहाँ पे दिस डालना है, दिस हाँ ये बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए अभी ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू पास नहीं की है ना। यस एट जीमेल डॉट कॉम तो आप लोगों को इस तरीके से काम करना है और बस आज के लिए इतना ही था।